हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नोवी चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एसएससी सीपीयू के कट ऑफ के बारे में। जी हां दोस्तों, तो आपको बताएंगे कि आज सीपीयू जो एसआई का आपका 2018 का पेपर था, उसमें जो कितनी कट ऑफ जो है जारी की गई है, तो पूरा जानेंगे विस्तार से। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई नई भर्ती आती है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट के अंदर की भर्ती हो, हम आपके लिए लेके आते हैं सभी जॉब के फुल नोटिफिकेशन के वीडियोज़। और यहाँ पर आपको सिर्फ वीडियोज़ ही नहीं, यहाँ पर आपको मिलेगा सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा आपका, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, आपको स्टडी मटेरियल में क्या क्या लगेगा। जी हाँ, हम आपको सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं स्मार्ट न्यूज चैनल पे। तो आइए टॉपिक पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं पहले कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि जो तीन तीन को, जी हाँ, तीन 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 यानी 3 मार्च को जो है आपका 2018 में जो है इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और 13 अप्रैल, जी हाँ 13 अप्रैल जो था इसका लास्ट डेट था आपको फॉर्म भरने के लिए। और इसका जो मैं एग्ज़ाम डेट के बारे में बता दूँ तो देखिए, 12 से 16 मार्च 2019 में आपका इसका एग्ज़ाम हुआ था। जी हाँ, 12 से 16 मार्च 2019 में इसका आपका जो है पेपर 1 हुआ था। उसके बाद आंसर की आई थी आपकी 24 से 27 अप्रैल। तो ये सब सारी चीज़ें हुई थी। अब रिज़ल्ट ऑफ पेपर 2 मैं आपको बता दूँ तो जो पेपर 2 का जो रिज़ल्ट जारी हुआ वो था 03/02/2020, यानी कि कल के डेट में। टोटल पोस्ट की बात करूं तो ये आपको बता दूं तो 1223 पोस्ट हैं आपको। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों, कट ऑफ में देख सकते हैं आप यहाँ पे सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस CAPF एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन CISF एग्जामिनेशन 2018, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ पेपर 2 टू कॉल कैंडिडेट्स फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो है बुलाव पत्र है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं 33 एडिशनल कैंडिडेट्स वेर अलाउड टू बाय द कमीशन टू अपियर इन पेपर 2 फॉर द एग्जामिनेशन ऑन द डायरेक्शन ऑफ वेरियस कोर्ट्स अकॉर्डिंगली टू टोटल 4783। जी हाँ, तो 4750 प्लस 33 जो है इसमें एक्स्ट्रा बुलाया गया है फॉर पेपर 2 विच वॉज कंडक्टेड ऑन 27/9/2019। अ टोटल ऑफ 4541 कैंडिडेट्स अपियर इन दिस एग्जामिनेशन। नॉमिनाइजेशन ऑफ मार्क्स हैज़ नॉट बीन डन फॉर दिस पेपर, दैट इज़ पेपर 2। एज पर पेपर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स आर कंडक्टेड इन द सिंगल शिफ्ट ओनली। तो जब इस सिंगल शिफ्ट में होगा तो आपको पता ही नॉमिनेशन नहीं होता, इसलिए जो है इसमें नॉमिनेशन का सवाल ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बताई गई हैं। अब कहा जाते हैं मेन टॉपिक जो है हमारा कट ऑफ को लेकर। तो देखिए, लिस्ट 1 जो है फीमेल कट ऑफ का ओपन वैकेंसी का देख लीजिए। तो कट ऑफ मार्क्स जो है पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के SC वालों का गया है 223 मार्क्स, ST के लिए 207, OBC वालों के लिए 258, अनरिजर्व के लिए 286। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स जो अवेलेबल हैं 26 हैं SC में, ST में 48 हैं, OBC में 148, 95 जो हैं इसमें अनरिजर्व में, और टोटल 317 हैं। तो यहाँ पे स्टार मार्क क्यों लगा वो भी देख लीजिए। अनरिजर्व में 10 SC 03 ST 112 OBC कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग एट अनरिजर्व स्टैंडर्ड हैव बीन शोन अंडर देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। लिस्ट 2 में आ जाते हैं मेल के लिए। तो मेल के लिए देखिए कट ऑफ कितनी जगह है। कट ऑफ जो मार्क्स है वो आपको ध्यान दीजिएगा पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिलाकर है। तो SC को ली गई है 190, ST वालों के लिए गई 169 यानी 169.03, OBC के लिए गई 196.50, अनरिजर्व की देखिए यहाँ पे 300 गई है। देखा जाए तो SC ST के तुलना में, ST में तुलना से दुगनी है अप्रॉक्सीमेटली, 170 है यहाँ पे, ये 300 है। ESM की देखिए 211.93 यानी 211 कट ऑफ गई है। ESM में भी काफ़ी कट ऑफ गई है आपकी। कैंडिडेट्स की बात करें 296 कैंडिडेट SC में है, ST में 293 है, 1351 OBC में है, अनरिजर्व में आपको 1123 यानी 1123, टोटल है 3063 और 385 आपका ESM में। अब देखिए लिस्ट 3 जो है मेल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो दिल्ली पुलिस के लिए है, जो डिपार्टमेंटल भर्ती के हैं। तो SC वालों के लिए देखिए यहाँ पर कट ऑफ गई है 166, ST के लिए 180, OBC वालों के लिए 246, अनरिजर्व के लिए 278.74। कितने कैंडिडेट्स हैं, 69 SC में है, डिपार्टमेंटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा। ST में 33, 181 OBC में, अनरिजर्व में 86, टोटल मिला के हो गया 369। ये आपकी जो है कट ऑफ था दोस्तों। लिस्ट 4 में देख लीजिए मेल स्पेशलाइज कैटेगरीज ऑफ एक्स सर्विसमैन दिल्ली पुलिस में। तो एक्स सर्विसमैन में देख लीजिए यहाँ पे कट ऑफ पेपर 1 पेपर 2, तो यहाँ पे SC में गई है 105.04, ST में कोई पोस्ट ही नहीं थी, तो यहाँ पे 7 कैंडिडेट थे। OBC में देखिए
146.79 14 कैंडिडेट है, अनरिजर्व में 240 14 कैंडिडेट है, टोटल यहाँ पे कोई मिला के 35 कैंडिडेट है। रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग 35 कैंडिडेट्स हैव बीन केप्ट विथ हेल्ड ड्यू टू वेरियस कोर्ट केसेस, तो ये जो है इनका कोर्ट केसेस की वजह से जो है देख लीजिए 35 लोगों का रखा गया था। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने जो है कट ऑफ CPO का। आप अपने मेडिकल की तैयारी में लग जाइए, आपको जो जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं आपके सब रेडी कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी वीडियो पसंद आएगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।